दोस्तों आप देख रहे हो गैस का चूल्हा यहाँ पर जल रहा है। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गैस पाइप को चेंज करना या नया पाइप कैसे लगाया जाएगा। इस वीडियो में आपको देख रहे हो यहाँ पर दो तीन लोगों ने अलग अलग लोगों ने ट्राई किया था। यहाँ पर आप देख रहे हो इसका अलग अलग सेटिंग हो गया है। मेरे को दीवार में लगा हुआ है, दीवार में से निकालना है और मेरे को पाइप को जो पाइप है यहाँ से निकालना है। बट दो तीन लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके भी ट्राई किया था लेकिन उन लोगों से हुआ नहीं। यहाँ से देख रहे हो थोड़ा क्रेक भी हो गया है। तो अलग अलग मैंने पकड़ से भी ट्राई किया था और ये आप देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी थोड़ा ट्राई किया था, अलग अलग लोगों ने ट्राई किया। मैं यहाँ पर ट्राई फिर से मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। तो काफ़ी जोर लगाते हैं फिर भी नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको आसानी होगी। और ढेर सारे लोगों की समस्या होती है दोस्तों कि यहाँ पर ढेर सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, और जो गैस जो रिपेयरिंग करने वाला आता है उसको फिर बाद में पैसा देना पड़ता है। तो वो सब चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से ही आप करवा सकते हैं। आप देख रहे हो चूल्हा है, यहाँ पर नीचे रेगुलेटर है, रेगुलेटर में भी आप देख सकते हो। मैं यहाँ से भी देख, ऊपर वाला भी है, ऊपर से भी निकालना है या चाहे नीचे से भी निकालना हो, नीचे से भी निकालना हो तो आप बाद में चेंज कर सकते हैं। तो फिर बाद में यहाँ से भी मैंने ट्राई किया था लेकिन हो नहीं रहा, यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो सेम ऐसा ही इश्यू ऊपर में भी, सेम इश्यू क्योंकि दोनों जगह पर एकदम पूरा टाइट हो चुका है। तो फंसे हुए गैस पाइप को, गैस चूल्हा या रेगुलेटर को कैसे निकाला जाएगा, तो मैं इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपको सेम इश्यू यहाँ से पहले निकाल देने का है जिससे आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एकदम सिंपल और आसान ट्रिक है। देख रहे हो ये मेरे पास जो है अलग अलग, इसको साइड में रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास माचिस या किसी के पास मोमबत्ती से भी जला सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर लाइटर हो, लाइटर से भी कर सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ से माचिस से आपको तकरीबन 30-40 सेकंड तक रखना है, अदरवाइज एक मिनट तक आपको रखना है, थोड़े समय के लिए रखना है। गैस जो ये आप देख रहे हो पाइप, ये थोड़ा हीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर बाद में एज आप देख रहे हो इसे थोड़ा आप ऑटोमेटिक थोड़ा नरम हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो दोस्तों इसमें सेम कुछ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मेन यही नीचे से आपको जो पाइपलाइन है उसको हटा देना है। यहाँ से मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, लग रहा है क्योंकि काफ़ी पुराना और ढेर सारा टाइम हो जाता है इसलिए थोड़ा टाइट हो जाता है। फिर से ट्राई करो, हो नहीं रहा है। ठीक है, मेरे को लग रहा है फिर से मेरे को गर्म करना पड़ेगा, तो मैं फिर से एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। आप देख रहे किसी के पास भी लाइटर या मोमबत्ती उससे आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो मैं फिर से यहाँ पर इसको थोड़ा गर्म कर रहा हूँ क्योंकि ढेर साल तकरीबन एक या दो साल जितना हो गया है। मिनिमम आपको जो पाइपलाइन रहती है दोस्तों दो साल में जनरली आपको चेंज कर देना, अदरवाइज दो तीन मोस्ट ऑफ जनरली दिक्कत होती नहीं है लेकिन दो या तीन साल में लोग मोस्ट ऑफ जनरली चेंज कर देना है आपको, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा भी दिख रहा हो आपको चेंज कर तो अच्छा है। फिर से मैं ट्राई करूँ, नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों मैं अच्छी तरह से फिर से मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हो क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है, तकरीबन दो या तीन साल हो गया, आप देख रहे हो। तो इसको मैं थोड़ा एक मिनट तक अब इसको मैं थोड़ा गर्म करता हूँ। ठीक है, मेन दोस्तों मैंने फिर से बता रहा हूँ कि नीचे से जो रेगुलेटर वहाँ से आपको हटा देना है सिलेंडर में से। मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, आप देख रहे हो आपके सामने ही है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा लग रहा है, थोड़ा मैं इसको अच्छी तरह से मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से आप देख रहे हो दोस्तों, आपके सामने ही हो जाएगा। हाँ, देख रहे हो दोस्तों आपके सामने ही हो चुका है, बस थोड़ा काला हुआ है, उसका कुछ है नहीं दूसरा, नॉर्मली है, कुछ होता नहीं है, आपके सामने ही है, देख रहे हो दोस्तों। एकदम सिंपल और आसान तरीका है, माचिस की तिली से भी थोड़ा करना, अदरवाइज आप मोमबत्ती है या लाइटर है थोड़ा इससे कर सकते हो। मैंने बताया दोस्तों रेगुलेटर जो नीचे का रहता है इसको थोड़ा अलग रखना है, दूर रखना, जिससे कोई समस्या ना हो है। तो मेन यही दिक्कत ना हो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का क्या करना है। ठीक है, और बस ये सिंपल और आसान तरीका है, और आप देख रहे हो मैंने माचिस के थ्रू किया था और सेम एकदम आसान है। इससे किसी भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कर सकते हो, और अपने फैमिली लोगों को भी साथ शेयर कीजिए जिससे उनको यूजफुल वीडियो लगेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।